So I support all these activities which keep fit, and especially when, as one producer said, our country is a youth country, and anything, this activity for youth is always welcome. So I congratulate all and everybody, all the runners, and also the director of Western Heroes. So thank you very much for organizing such a great event. It was fun and great event. आपके एरिया में हो रहा, how happy you feel like, you know, and what would be your message to all the youths and you know to for the fitness? देखिए, फिटनेस के लिए आप जो कुछ भी करते हैं बिल्कुल करना चाहिए, और हमारे एरिया में हो रहे हैं, मैं सभी को वेलकम करती हूँ, स्पेशली बोथ द गेस्ट, दोनों को वेलकम करती हूँ. और अच्छा लगता है जब हमारे एरिया में ऐसा कुछ होता है और लोगों तक संदेश पहुंचता है. आज G20 के भी बहुत सुंदर तरीके से यहाँ जो डिस्प्ले हो रहा है, यूथ को भी ये मालूम होता है कि हमारा अचीवमेंट क्या है. G20 हमारे यहाँ हो रहा है, हमारे यहाँ ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ हो रही है, और मेरे शहर में हो रहा है. तो मैं बताना भी चाहती हूँ कि हमारा शहर देखिए कितना क्लीन एंड नीट है. समीर जी, आप ऑलवेज यू आर देयर टू सपोर्ट, यू नो, खास करके फिटनेस में, यू आर सो परफेक्टली फिट. हाउ डज इट फील कमिंग ऑल द वे, यू नो, लाइक यहाँ पर आए हो आप, इतने बहुत लोगों को देख कर, व्हाट हैव यू टू से अबाउट? सी, फर्स्ट थिंग आई वुड लाइक टू थैंक हमारी जो MLA मैडम है, जैन मैडम है, to invite me here. So all the way I have come here for encouraging ma'am ke sath mein to encourage the youth. Dekhiye, 30% jo hamara youth population hai Bharat ka, kafi strong ek population hai. To yahi youth population hai which can help us immediately from taking a developing country to a developed country. Secondly, during my tenure also, all the way mere 17 saal ke career mein, especially during my tenure in NCB, mera focus tha zyada ke jo mental health as well as physical health, जो एंट्री ड्रग मुहिम हमने चलाई थी, सो दैट वॉज बेसिकली फोकसिंग ऑन दी हेल्थ ऑफ द नेशन एंड दी हेल्थ ऑफ द यूथ. तो इसमें जैसा कि हमारा शरीर होता है एक मंदिर की तरह होता है, पावन शरीर होता है हमारा, तो रादर देन यूजिंग दीज थिंग्स टू स्पॉइल आर, जैसा कि ड्रग्स कंज्यूम करके हम हमारे शरीर को बर्बाद करते हैं, ख़राब करते हैं, तो इस तरह से हमें, वी हैव टू फोकस मोर ऑन द फिटनेस साइड. फिटनेस साइड में सब द बेस्ट एक्सरसाइज व्हाट आई बिलीव इज रनिंग, क्योंकि मैं खुद भी मॉर्निंग में आई रन अ लॉट. तो हाउ टू कीप योर शरीर फिट, तो इससे सस्ता, इससे अच्छा उपाय कोई नहीं हो सकता रादर देन रनिंग. तो इसी पहल में जो मैडम ने रखा है, बाकी का जो डायरेक्टर्स, जो फाउंडेशन है, इन्होंने मैराथन रखा है, और प्लस हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी है, G20 के जो गाइडेंस के अंडर में ही मैराथन रखा गया, तो ये बहुत ही राइट पहल में मैराथन रखा गया. तो मेरी शुभकामनाएं सबके साथ में, एंड इस तरह से मैराथन से मोर यूथ को हम एनकरेज कर सकते हैं, मोर बच्चों को और यूथ कर सकते हैं फिटनेस की तरह लेके जाने के, ना ही के ड्रग कंजम्पशन एंड ऑल दोस थिंग्स जो नेगेटिविटी स्प्रेड करता है. मेरी शुभकामनाएं उनके साथ में, ऑल द बेस्ट एंड वंदे मातरम. वन स्मॉल क्वेश्चन आल्सो, लाइक वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो हेल्थ एंड फिटनेस, देयर इज अदर वे, लाइक इन वेदरा एज लाइक यू आर कमिश्नर, लाइक यू नो ड्रग्स के लिए भी, ऐसे के लिए लाइक व्हाट ऑल थिंग्स आर यू नो मतलब हो रहा है उस चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए, क्योंकि एक तरफ फिटनेस की बात की तो अदर वे एक थोड़ा इस तरफ भी लोग जा रहे हैं, खास करके तो यूथ आके. देखिए, बेसिकली जब हम लोग ये सब चीज़ों के साथ फाइट करते हैं, तो जैसा कि हमारे माननीय होम मिनिस्टर साहब ने बोला, टॉप टू बॉटम अप्रोच. एक तो जो ड्रग कंज्यूम करते हैं तो उन्हें एक सहानुभूति की तरह देखना चाहिए, एज अ विक्टिम देखना चाहिए, और ज़्यादा तो टारगेट होता है पेडलर्स एंड सप्लायर्स. तो हमारा जो काम था पहले और अभी भी है, जो लॉ एनफोर्समेंट का काम होता है, तो इसमें पूरी चेन को हमको पकड़नी पड़ती राइट फ्रॉम टॉप बॉटम. लेकिन हाँ, जो लेवल, जो लोएस्ट लेवल होता है, जो कंज्यूमर, तो उनके तरफ फोकस होना चाहिए कि उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जाए समाज में, कैसे फिर से नॉर्मलाइज किया जाए. तो वो नॉर्मलाइजेशन के लिए फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसी मुहिम में, रादर देन स्पेंडिंग द टाइम एंड एनर्जी इनटू ड्रग कंजम्पशन, दे शुड फोकस मोर ऑन द फिटनेस साइड. तो इसके लिए मैराथन जैसी चीज़ हो, फिजिकल एक्टिविटी हो, योगा जैसे बाकी के भी जो जैसे कि फिटनेस की चीज़ें हैं, तो दे शुड बी कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन मोर ऑन दैट, एंड इस पहल में अवेयरनेस इनकी तरफ ज़्यादा होना चाहिए. सर, आप कहेंगे नन्ही गूंज विकास फाउंडेशन की ओर से ऑर्गेनाइज किया गया और साथ में जितने भी है, आई एम हैप्पी यू आर फीलिंग लाइक मैम इज योर लाइक सर जो है, क्या कहना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले मैं गीता भारत जैन जी का धन्यवाद करूँगा, समीर वानखेड़े सर जो हमेशा ऐसे कॉज में आते हैं. ये मैराथन का थीम G20 प्रेसिडेंसी जो इंडिया को मिला है, 20 देशों में भारत जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वेस्टर्न हीरो के साथ मिलकर हम लोगों ने मैराथन ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसका एक ही मिशन है, फिटनेस को प्रमोट करना,
हेल्थ को प्रमोट करना, और इतना सुबह में बारिश होने के बाद भी इतने बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे आए और मैडम यहाँ पे इतनी सुबह में आ गई, सर यहाँ पे सुबह में आ गए सिर्फ एक मिशन के लिए, हेल्थ फिटनेस को प्रमोट करें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। और आप सारे लोगों का जो इस इवेंट में आए इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे कोई भी इवेंट जो हेल्थ फिटनेस और जो एंटी ड्रग्स मुहिम है, हमारे समीर वानखेड़े सर, हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री अमित शाह जी का, इन सारे कॉज में सपोर्ट करें, क्योंकि ये ड्रग्स का जो लत है आगे के आने वाले जनरेशन यूथ के लिए बहुत ख़राब है। तो ऐसे कोई भी इवेंट जो हेल्थ फिटनेस को प्रमोट करता है उसमें हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और हम लोग आगे भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। जय हिंद।